नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान के कोटा की तरफ रुख करें तो PFI के एक प्रदर्शन में अजमेर दरगाह शरीफ के खादिमों की संस्था अंजुमन के पूर्व सचिव सैयद सरवर चिश्ती का हिजाब विवाद पर विवादास्पद बयान सामने आया है। सैयद सरवर चिश्ती ने धमकी दी कि अब एक्शन का रिएक्शन होगा और हम चुप नहीं रहेंगे। राजस्थान के कोटा में आपको जानकारी दे दें कि PFI ने हिजाब के समर्थन में यूनिटी मार्च निकाला था, जिसकी ये तस्वीर हमने आपको कल भी दिखाई थी। PFI के इस मार्च में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल भी हुई समर्थन में। उन्होंने हिजाब के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, अब एक्शन का रिएक्शन होगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। सोचे किस तरह से ये धमकी भरा लहजा भी सामने आ रहा है। तो हिजाब पर बयानबाजी तो जारी है, लेकिन विवादास्पद बयान सैयद सरवर चिश्ती के जरिए सामने आया। हम कोई रेड कारपेट बिछाकर आपका वेलकम नहीं करेंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अजमेर से हमारे साथ भवानी मौजूद है। भवानी, क्या कुछ आप यहां पर कहेंगे? जिस तरह से अब यह धमकी भरा लहजा यहां पर सामने आ रहा है, मामला कितना गर्माता और बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए सबीना, कल कोटा के अंदर PFI का कार्यक्रम था, यूनिटी मार्च। और यूनिटी मार्च, हालांकि उसमें कई सारे एजेंडे थे, लेकिन हिजाब भी एक एजेंडे में शामिल था। और उसी यूनिटी मार्च में देश भर के कई लोग जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो शामिल हुए। उसमें अजमेर दरगाह शरीफ के जो खादिम हैं, काफ़ी जाने माने हैं, अंजुमन जो खादिमों की संस्था है उसके पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं सैयद सरवर चिश्ती, उन्होंने तीन चार बातें कही है जिसको लेकर काफ़ी विवाद है। एक, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उडुपी के अंदर नारे लगे वो एक्शन का रिएक्शन था। कहा कि जय श्री राम के नारे लगाए और जहां पर भी जय श्री राम के नारे लगाएंगे उसके बाद में रिएक्शन के अंदर अल्लाहू अकबर के नारे लगेंगे। और इससे आगे बढ़कर उन्होंने तीन चार बातें और कही। उन्होंने ये कहा कि अब जिस तरीके से लगातार ये मामले हो रहे हैं, उन्होंने कहा सिर्फ ये हिजाब का मसला नहीं है, लगातार ये जीनोसाइड, एक शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, कहा कि उसकी दिशा के अंदर ये कदम है, नफरत पैदा करने वाला, कभी नमाज को लेकर, कभी दूसरे इश्यूज़ को लेकर, अभी हिजाब को लेकर। तो उन्होंने कहा कि अब जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, चुप नहीं बैठेगी। बिल्कुल।